मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट श्रीकांत जी, ये संजीवनी मीडिया में मिल गई है या धरातल पर भी मिली है? नीलू ने कहा अभी कि हनुमान जी के बारे में वहां का दृष्टिकोण, वहां के जनमानस का दृष्टिकोण अलग है, तो मीडिया से तो आप कह सकते हैं कि मीडिया के माहौल से, जो नेशनल मीडिया है जिस तरह से व्यवहार कर रही है, तो मीडिया के माहौल से तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिल गई है। लेकिन हाँ, आप वहां से घूम के आए हैं या आपको अभी भी लोग वहां से बता रहे होंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि संजीवनी वाकई में मिल गई है? नहीं, मुझे मुझे जहां तक चीजें समझ में आई हैं और जो मैं समझ रहा हूं उसके मुताबिक संजीवनी मिल चुकी है। और ये पूरा मोमेंटम चेंज हुआ है महज हफ्ते भर के अंदर। जिस तरीके से बीजेपी ने गेन किया है और बहुत सारी सीटों पर, जिस पर हमने पिछली बार 3 महीने पहले जो मेरा एक सर्वे था, बीजेपी 1,500 3,500 4,500 कहीं 4,200 वोट के आसपास मुझे माइनस दिख रही थी। बहुत बड़ा चंक उसमें जेडीएस का था। लिंगायत नाराज दिख रहे थे, वोकालिंगा एक तरीके से बीजेपी से वो आ भी नहीं रहे थे। और जो ओबीसी वोट बैंक था, या फिर आप कहें जो अपर कास्ट है, बहुत कम अपर कास्ट है, हम केवल पूर्वांचल में यूपी बिहार में ही कहते हैं कि जात के हिसाब से वोटिंग होती है, लेकिन कर्नाटका में और साउथ में अभी भी जात फैक्टर जो है, कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा है, वो कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। और मैं इस बात को आज आपके सामने कह रहा हूं कि ये बात मैंने अलग जगह भी कही थी, लेकिन फिर कह रहा हूं कि बीजेपी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत वाला वो जो मैजिक फिगर लगता हुआ या उसके आसपास जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो पिछले 7 दिन का मोमेंटम चेंज किया गया है। मैं आपकी बात से अगर सहमत हो भी जाऊं तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ रही। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ रही है, वरना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सेकंड या थर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपने स्वयं ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। दूसरे शब्दों में, एक मिनट आशु, आई वांट टू मेक अ पॉइंट दूसरे शब्दों में आपने ये स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने ये नहीं कहा, ए का मतलब ए ही होता और बी का मतलब बी होता, ए को बी से मैच मत कीजिए। दूसरी चीज, मैं आप आशुतोष जी आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कर्नाटका में वो ये है कि कहीं ना कहीं जेडीएस बीजेपी के हिसाब से कुछ चुनाव को लेकर काम चल रहा है। और मैं देखिए, प्री पोल्स अलायंस जिसे आप कहते हैं और जो पर्दे के पीछे देखा जाता है, वो मुझे कर्नाटका में जेडीएस और बीजेपी का कुछ हद तक दिख रहा है। और ये आफ्टर इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे ये अलायंस आपको बनता हुआ भी दिखेगा। मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात कर रहा था और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार बनाती है अगर आप 4 बार का देख लीजिए।